एक बड़ा विमान हादसा, वो तस्वीर अब आपके सामने होगी। और इस विमान को साओ पाउलो के एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन उससे पहले ही ये कैसे क्रैश हो गया उसकी तस्वीर देखिए। इसमें सवार सभी 62 लोगों की मौत हो गई। हुआ उस वक्त विमान 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और महज एक मिनट के अंदर विमान ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरा। वही तस्वीर आपके सामने है। क्रैश होते ही आग के गोले में तब्दील हो गया, 62 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर चीन से आई है और चीन के निंगबो जोशान बंदरगाह में एक कंटेनर जहाज में शक्तिशाली विस्फोट की यह तस्वीर देखिए। धमाका जुजियांग प्रांत में पोस्ट पानामैक्स जहाज पर हुआ। अचानक आग लगी, किसी कंटेनर में मौजूद केमिकल आग के संपर्क में आया और विस्फोट हो गया। विस्फोट की आवाज तक दूर दूर तक सुनी। आसमान में आग का गोला उठता नजर आया। चीन की शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक इस विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ। अब रूस से तस्वीर आपके सामने, जहां रूसी सेना की एक प्रैक्टिस वायरल हो रही है और तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि एक सैनिक मशीन गन चला रहा है, लेकिन मशीन गन अचानक अनियंत्रित हो गई और पीछे मौजूद सैनिकों की जान मुश्किल में पड़ गई। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर ट्रेनिंग के दौरान। अब यमन से आई तस्वीर आपके सामने होगी, जहां के हुदैदा प्रांत में मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बाढ़ की स्थिति। ये देखिए तस्वीर, सड़क पर पार्क गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आई। सड़क पर बह रहे तेज पानी में दर्जनों गाड़ियां समा गई और कई किलोमीटर दूर तक पहुंचा दिया। यमन में 7 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। कम से कम 45 लोगों के मारे जाने तक की खबर है और हजारों लोग बेघर बताए जा रहे हैं। अब चीन के शांसी प्रांत की तस्वीर आपके सामने, जहां फ्लैश फ्लड ने कोहराम मचा रखा है। करीब 179 किलोमीटर तक बारिश हो चुकी है, इसके बाद सड़क पर सैलाब बहने लगा। लगातार 15 घंटे तक बारिश होने की वजह से ही सड़क पर पार्क खड़ी कई गाड़ियां भी बहती नजर आई और निचले इलाकों में पानी इकट्ठा होता जा रहा है। एक जगह पर गाड़ियों का ढेर लग गया है, दर्जनों गाड़ियां मलबे के ढेर में नजर आ रही हैं। इसराइल के खिलाफ ईरान की युद्धक तैयारियां तेज हो चुकी हैं और ईरानी नेवी ने एंटी शिप मिसाइल को कर दिया है तैनात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की तैनाती को लेकर है और इसराइल से खतरे के मद्देनजर मिसाइल को किया गया है तैनात। तो एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर है इस वॉर फ्रंट से, जहां मिडिल ईस्ट के इस हालात के बीच में इसराइल के खिलाफ ईरान की युद्धक तैयारियां हो रही हैं तेज और ईरानी नेवी ने एंटी शिप मिसाइल को तैनात करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की तैनाती को लेकर खबर सामने आई है, यानी साफ है कि इजराइल से खतरे के मद्देनजर मिसाइल तैनाती का लिया गया है फैसला। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का प्रण इस बार बहुत घातक साबित होने वाला है, क्योंकि खामेनेई ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और इजराइल को कैसे सबक सिखाया जाए, मेहमान हानिया की मौत का कैसे बदला लिया जाए, इसका पूरा खाका तैयार है। इस पर बस अमल होना बाकी है और खामेनेई के एक आदेश पर ईरानी सैन्य बल अपनी ताकत दिखाने के लिए भी तैयार है। जो खबर ईरान से आ रही है
उसके मुताबिक इसराइल पर ऐसा हमला होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल उठेगी और इसकी तैयारियां किस तरीके से शुरू हो चुकी हैं। क्रूज मिसाइल तैनात हैं, घातक ड्रोन ने पोजीशंस संभाल ली है और बड़ी खबर उसी आधार पर, क्योंकि ईरान ने जिस क्रूज मिसाइल की तैनाती की है उसके बारे में अब इंफॉर्मेशन आपके सामने। खबर यह है कि ईरानी नेवी की यह बड़ी तैयारी है, अब इसमें एंटीशिप मिसाइल की तैनाती को लेकर फैसला हुआ है। पनडुब्बी को भी तबाह करने की यह क्षमता रखता है। ईरान के पास 2,654 क्रूज मिसाइल होने का भी अंदेशा है। अब इस तैयारी के तहत आगे क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि ईरान से आ रहे उन 5 संकेतों की जो इंफॉर्मेशन अभी आई है उससे यह पता लगता है कि ईरान का इसराइल पर हमला तो तय है, लेकिन हमले को कैसे अंजाम दिया जाएगा, हमले को कब अंजाम दिया जाएगा और क्या 5 संकेत फिलहाल मिल रहे हैं। उसमें पहला संकेत अहम ठिकानों पर मिसाइलों की तैनाती को लेकर खबर। दूसरा संकेत उस आधार पर जहां ईरानी सेना की हलचल भी अब तेज बताई जा रही है। तीसरा संकेत क्योंकि किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण को लेकर भी खबर मिल रही है। चौथा संकेत एयर स्पेस को बंद करने को लेकर किए जा रहे फैसले। वहीं पांचवा संकेत, खामेनेई लगातार जिस तरीके से बैठक कर रहे हैं। हमारे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी इस वक्त मेरे साथ हैं और सुमित, पिछले कई दिनों से हालात पर तो सबकी नजर है, लेकिन सवाल अभी भी ये कायम है कि हमले को लेकर कैसी तैयारी और कब किस तरीके से हमलों को दिया जा सकता है अंजाम। देखिए अब लगातार ईरान भी अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहा है। ईरान को ये पता है कि देखिए इसराइल और अमेरिका ने अपने सारे मैकेनिज्म, अपने सारे कह सकते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इस इलाके में डिप्लॉय कर दिए। तो अभी लगातार बताया गया कि कल भी इसको लेकर राष्ट्रपति के साथ बड़ा डिस्कशन किया गया, खामेनेई लगातार सुप्रीम कमांडर के साथ डिस्कशन किया गया और ये कहा गया कि क्यों ना इसराइल के अलावा इसराइल के जो बड़े बड़े बेसिस हैं, जो उनके इंटेलिजेंस यूनिट हैं दुनिया भर के तमाम देशों में, वहाँ पर अटैक किया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि आप अगर हमारे घर में अटैक करेंगे तो हम आपको दुनिया भर के इलाकों में आपको टारगेट करेंगे। तो निश्चित तौर पर ईरान अपने सभी पॉसिबल अटैक्स के ऊपर, अपने टारगेट्स के ऊपर लगातार बातचीत कर रहा है और अब ईरान की पूरी कोशिश यह है कि अब एक बड़ा मैसेज दिया जाए इसराइल को कि ना सिर्फ हम आपके इसराइल के अंदर, आपके घर के अंदर, बल्कि घर के बाहर भी आपको टारगेट कर सकते हैं। यानी ईरान ने अभी तक जो टाइम बाय किया है उस आधार पर उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग को लेकर इनपुट मिल रहा है और उसी आधार पर हम ये स्पेकुलेशंस भी लगाते आए हैं कि क्या अब ये फुल स्केल वॉर की तरफ हो संभावनाएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका पर ईरान की तरफ से भी बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है जहां अमेरिकी युद्धपोतों की जासूसी का ये दावा है और ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों की बाकायदा तस्वीरें जारी की हैं। दो अलग अलग जगह पर सर्विलांस का दावा किया जा रहा है। ईरान समंदर में कैसे अमेरिका को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, दो तस्वीरें आपके सामने होंगी जहां पहली तस्वीर ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट की और दूसरी तस्वीर फारस की खाड़ी की। दोनों जगहों पर अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती है और युद्धपोतों के आसपास सुरक्षा का घेरा होता है, लेकिन ईरानी सर्विलांस ड्रोन अमेरिकी युद्धपोतों के वीडियो बनाने में भी सफल रहा। इससे यह भी पता लगता है कि ईरानी नेवी कितनी गंभीर है और अपने समुद्री इलाके की रक्षा के लिए ईरान तेजी से कैसे सक्रिय हो चुका है। हालांकि समंदर में ईरान की तीसरी आंख, ये हम क्यों कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए समझिए कि आखिर किस तरीके से अमेरिकी युद्धपोत ईरान की घेरेबंदी कर रहे हैं और अमेरिका ने जिस तरीके से मध्य पूर्व में नौसैनिक बेड़े भेजे हैं, बड़ी खबर सामने आई है। अब ईरान ड्रोन के जरिए समंदर पर नजर रख रहा है और ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतियों की जिस तरीके से जानकारियां हासिल की हैं उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अमेरिकी युद्धपोतों की पोजीशंस का इसके जरिए अंदाजा लगा है और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान ने अब बकायदा ये तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी खबर उसी आधार पर समझिए जहां इसराइल के खिलाफ ईरान की तैयारी बड़ी है और कभी भी परमाणु परीक्षण तक ईरान कर सकता है, ये एक और बड़ी खबर। दावा और इसराइल पर दबाव बनाने के लिए परमाणु परीक्षण को लेकर खबर बड़ी है। अब ईरान में आखिर तैयारियां किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं उसी के आधार पर बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिस आधार पर अब परमाणु परीक्षण को लेकर आज खबर बड़ी है, क्योंकि ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है, अमेरिका और इसराइल पर दबाव बनाने के लिए परमाणु परीक्षण को लेकर खबर है और ईरान के पास परमाणु बॉम्ब बनाने की तकनीक तक मौजूद है। हालांकि उत्तरी ईरान में सैन्य अभ्यास भी जारी बताए जा रहे हैं, जहां सैन्य अभ्यास हो रहा है वहां एयर स्पेस भी बंद है। अब ईरान की पूर्वी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइलों की ईरान तैनाती भी कर रहा है। सुमित, अब ये बात मैंने इसीलिए कही थी, क्या ये टाइम बाय करने की कोशिश है, क्योंकि परमाणु तैयारी को मिल रही खबर, परमाणु प्लान को मिल रही खबर के जरिए ये समझा जा सकता है कि ईरान किस स्तर पर तैयारी की कोशिश में।
देखिए सुरभि, ये तो तय है कि दोनों देश, दोनों तरफ के गुट के लोग लगातार अपनी एक्सट्रीम तैयारियां कर रहे हैं। उनको पता है कि देखिए पॉसिबल अटैक अगर ईरान की तरफ से हुआ तो निश्चित तौर पर इसराइल के लिए भी अटैक का जवाब देना बहुत जरूरी हो जाएगा, और ऐसे में ईरान दोबारा से अटैक करेगा। तो एक तरीके का आप मान के चलिए कि दोनों अपने सारे टेक्टिकल वेपन जो है वो इस समय डिप्लॉय कर देना चाहते हैं। एक पोस्टरिंग भी है एक दूसरे को डराने की, देखिए हमने अपनी तैनाती पूरी कर दी है और हम भी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हैं। और यही वजह देखिए ईरान ना सिर्फ अपने अपने टेक्टिकल वेपन्स, अपने न्यूक्लियर वेपन्स, बल्कि दूसरी तरफ यहां तक कि आप इसराइल को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, उसने अपने 12 से ज्यादा वॉरशिप भेज दिए, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए, और कोशिश ये कर रहा है अमेरिका भी कि ईरान को इतना ज्यादा दबाया जाए कि वो अटैक करने की कोशिश ना करे, कोई गुंजाइश ना बचे, और यही पर निगोशिएशन भी चल रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए दोनों देश चाहे वो आप कह सकते हैं कि अमेरिका, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इसराइल हो, कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को पोस्टरिंग कर डराने की भी। चलिए आपके पास मैं और बड़ी खबरों के तहत सुमित वापस रुख करूंगी, लेकिन इस बीच मुझे बांग्लादेश से आ रही बड़ी खबर का रुख करना है, क्योंकि बांग्लादेश के चीफ जस्टिस इस्तीफा देंगे। एक बड़ी खबर है, अपने पद से इस्तीफा देंगे चीफ जस्टिस उबेदुल हसन। आपको बता दें भेदभाव को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस्तीफे के फैसले को लेकर इस बारे में मेरे सहयोगी मनीष झा से मैं चर्चा करूंगी। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से बातचीत के बाद इस्तीफा देंगे और शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस को लेकर आ रही खबर के तहत हमारे सहयोगी मनीष झा की ढाका में मौजूदगी, क्योंकि TV9 भारतवर्ष पहला भारतीय चैनल जो ढाका से आपको सीधी खबरें दे रहा है और हकीकत, ग्राउंड रियालिटी दिखा रहा है कि आखिर तख्ता पलट के बाद ढाका में, बांग्लादेश में स्थिति क्या है। इस बीच ये बड़ी खबर, मनीष समझाएं आखिर किस आधार पर लिया गया फैसला, और टाइमिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के इस्तीफे देने को लेकर। बिल्कुल सुरभि, आपने सही कहा। देखिए बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी हलचलें चल रही है ढाका में भी और बांग्लादेश में भी, और उसी के तहत शेख हसीना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, यानी वही चीफ जस्टिस जिन्होंने कि आरक्षण को लेकर फैसला दिया था। तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चूँकि पिछले कई दिनों में जो हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हुई थी, तो उसके बाद अब स्थिति बहुत हद तक बेहतर है। हमने इस्कॉन के प्रमुख से भी बात की, उनका भी कहना था कि अब सभी कम्युनिटी के साथ बातचीत की जा रही है, BNP के लोग, जमात के लोग, मिलिट्री के लोग, वो लोग भी आकर बात कर रहे हैं हिंदू कम्युनिटी के साथ, और अब चीज़ें नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है, जो कि सबसे अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद बीते कुछ दिनों में जो हिंसा हुई है, इसके खिलाफ जो हिंदू कम्युनिटी हैं ढाका में रहने वाले या बाहर के लोग, वो बड़ी संख्या में आज एकजुट हो जा रहे हैं। कल उन्होंने एक छोटा सा विरोध मार्च निकाला था, लेकिन आज बहुत बड़ा विरोध मार्च वो निकालने जा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद ढाका के शाहबाग इलाके में हजारों की संख्या में वो जुटने वाले हैं, जहां वो एक साथ आप कहें एकता रैली निकालेंगे, उस हिंसा के खिलाफ में उनका विरोध मार्च होगा। और इन सबसे बढ़कर जो बांग्लादेश में दोनों कम्युनिटी साथ साथ रहती थी, उस मैसेज को कैरी करने की कोशिश करेंगे हिंदू कम्युनिटी के लोग। मेरे आसपास भी जो आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब उसी विरोध प्रदर्शन में जा रहे हैं, उसी विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर हैं, और कई बसें आ रही हैं, उन बसों में बैठ कर वो सब आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सड़कों पर लगातार TV9 की टीम आपको दिखा रही है कि लगातार यहाँ पर मिलिट्री के मूवमेंट होते हैं, सेना के लोग आपको दिखाई देंगे, और सबसे बढ़कर जो स्टूडेंट्स हैं, वही स्टूडेंट जो इस प्रोटेस्ट का चेहरा है, वही स्टूडेंट जिसकी वजह से शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी, वही स्टूडेंट जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को के चीफ जस्टिस को गद्दी छोड़नी पड़ रही है, और वही स्टूडेंट्स अब लगातार हर जगह पर अपना ट्रैफिक या लॉ एंड ऑर्डर को इस वक्त अपने जो है वो रेगुलेट कर रही है या उस तरीके से। तो TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप बांग्लादेश को देख रहे हैं। इस वक्त हम बांग्लादेश में ढाका के चिटगांव वाले इलाके में, जहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी भी रहती है, यहाँ बड़ा एक इस्कॉन टेम्पल है, लेकिन आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं TV9 के कैमरे से, ये आपको आज के ढाका की, आज के बांग्लादेश की हकीकत बता रही है। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं हर तरह के लोग हैं, और यहाँ से कोशिश हो रही है कि जो कुछ हुआ, क्योंकि ये बात तो तय है कि जितनी बड़ी घटना थी उसके हिसाब से जो कुछ हुआ, उसके बाद कैसे हालात को सामान्य बनाया जाए, उसकी कोशिशें यहाँ पर चल रही है। मनीष, मैं जल्द आपके पास लौटती हूँ और संभव हो तो इन लोगों से भी बात करिएगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बड़ी खबरें आपने भेजी हैं, बता दें अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अबू सईद के परिवार से मिले हैं और हेलीकॉप्टर से रंगपुर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। रंगपुर मेडिकल कॉलेज में घायलों से भी मिलेंगे, और पुलिस फायरिंग में अबू सईद की सबसे पहले मौत हुई थी, जहां 16 जुलाई को हुई थी बेगम रोकेया यूनिवर्सिटी के छात्र सईद की मौत।
और इस बीच सीधे लाइव तस्वीरें ढाका से मेरे सहयोगी मनीष झा हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको एक बार फिर बता दें TV9 पहला न्यूज चैनल है जो बांग्लादेश पहुंचा है। मनीष झा पहले रिपोर्टर जो बांग्लादेश पहुंचे हैं। हमारे दोनों सहयोगी मनीष झा और कैमरामैन गंगा सिंह ढाका से ही इस वक्त ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और मनीष इस वक्त उस जगह पर है जहां पर अभी तैयारी हो रही है हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। क्या इस वक्त संभव है मनीष इनसे सीधे संवाद करना, बात करना? बिल्कुल, जो लोग यहाँ से प्रोटेस्ट के लिए भी जा रहे हैं उन सबसे भी बात करते हैं। और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं दादा, सबसे पहले तो ये कि इस इलाके में अभी क्या कंडीशन है, हालात सब कुछ ठीक है? हमारे इलाके में कंडीशन बहुत अच्छा है। अच्छा, सही वक्त सब चलता है, सब कुछ रास्ता भी सही है, आदमी सब सही है चलता है। हमारे स्टूडेंट जो है वो भी काम करता है, इसी वक्त अभी सब कुछ ठंडा है, सब चलता है, अच्छा चल रहा है। तो अभी मैंने जो देखा है कि मिलिट्री वाले लोग हैं वो लगातार मार्च कर रहे हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, पुलिस नहीं है? पुलिस अभी तक नहीं आया, आ जाएगी, दो तीन बाद में आ जाएगी। अच्छा, और जो आपस में सब कम्युनिटी वाले आपस में एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं? हाँ, कॉपरेट करता है, अभी बैठा है उस लोगों ने, बैठ के बात करता है, अभी देखता होगा क्या करेगा, अभी सामने वो क्या कर क्या स्टेप लेगा, आगे क्या प्लान है आप लोगों का? हम अभी चाहता हूँ हमारा देश में अभी अच्छा सरकार आएगा, अच्छा आदमी आएगा तो हमको देश को चलाएगा अच्छा करके। पहले जो था तो गया ही, अभी जो चाहिए अच्छा चाहिए। तो अभी आप लोग निकल रहे हो यहाँ से साबक के लिए? अच्छा, गाड़ी आ गई है। तो ये देखिए, यहाँ से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आसपास में काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, हमारे कैमरा सहयोगी आपको गंगा सिंह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे जो इस्कॉन के प्रतिनिधि भी हैं और जो इस कम्युनिटी में रहने वाले जो और सब लोग हैं वो सब भी आपको कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं। और आसपास के भी इलाकों को अगर आप देखिए, ये ढाका है, ये बांग्लादेश है और यही इनकी पहचान है। बहुत तेज़ी से पिछले एक हफ्ते में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और उसमें बहुत बड़े परिवर्तन भी हुए। शेख हसीना को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा, उसके बाद की जो स्थिति हुई, तो उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स लीडर से आप बात करें या लोगों से बात करें, उन्हें यह लगता है कि जितनी जल्दी हम सामान्य कर पाएंगे उससे जो उनका बड़ा मकसद था कि बांग्लादेश की बेहतरी के लिए, उसे हम कर पाएंगे। और इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लगातार उस इलाके में, थोड़ी देर के बाद हम TV9 के करोड़ों दर्शकों को बता दें, थोड़ी देर के बाद जो एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, अब तक जो हिंदू समुदाय पर हिंसा हुई थी उसके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, हजारों की संख्या में वहां पर भीड़ जुटने वाली है। TV9 की टीम ठीक उसी जगह पर मौजूद होगी और वहीं से आपको सूरत हाल बताएगी। और बिल्कुल आपकी थोड़ी देर पहले की एक रिपोर्ट भी मनीष में दिखाना चाहती हूं, जल्द आपके पास लौटूंगी, क्योंकि वहां ग्राउंड रियलिटी इस वक्त, जहां ढाका में ही सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की तस्वीरें आपने भेजी हैं, ढाका के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और हिंसा फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें सेना और सुरक्षा बलों की कोशिश कि दोबारा हिंसा ना हो। तो अभी क्या बदलाव आपको दिख रहा है, क्या हालात हैं पिछले 4-5 दिनों के बाद? नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सारे कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बस, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तक पुलिस वाला आदमी उसका ड्यूटी में नहीं आया, अभी ये आप देख रहे हैं इधर, ये फौजी लोग इधर है। इस बार मैं देख रहा हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स के साथ साथ जो ये स्टूडेंट्स हैं ये भी मदद कर रहे हैं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को इंगेज करने। अभी तो ये स्टूडेंट लोग की, अभी आप रास्ता में देखिए किधर भी ट्रैफिक का जो काम है ना, ये स्टूडेंट लोग ही कर रहा है, अभी स्टूडेंट लोग ही कर रहे हैं, अभी तक पुलिस का ड्यूटी नहीं आया। आप लोगों को लग रहा है कि 4-5 दिन बाद आज हालत नॉर्मल है, थोड़ा और भी नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, TV9 की टीम बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद है। TV9 की टीम इस वक्त जहां पर मौजूद है वहां से आप समझने की कोशिश करिए कि सोमवार को जब शेख हसीना यहां से निकली उसके बाद से जो स्थिति बनी थी, तो अभी क्या स्थिति है, अभी की स्थिति को आप TV9 के कैमरे से देखिए और समझिए, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि अभी बांग्लादेश में ढाका में चल क्या रहा है। तो इस वक्त जबकि यहां पर दिन में 10 बज रहे हैं और उस वक्त देखिए आप जिस तरीके से यहाँ पर मैनेज हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के लोग हैं, लोगों की हलचल है, लोग अपने अपने कामकाज में जा रहे हैं, लोग अपने बाजार में जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं उनको आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी अभी एक व्यक्ति ने TV9 से बहुत सही कहा कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। यही सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हालात तेजी से संभालने की कोशिश हो रही है पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री पर्सनल्स के जरिए। और इस वक्त आप वही तस्वीरें TV9 के जरिए देख पा रहे हैं।
और ढाका में सड़क पर सेना की पेट्रोलिंग की तस्वीर भी अब आपके सामने, क्योंकि उपद्रवियों से निपटने की कोशिश है और जगह जगह पर सेना के जवानों की तैनाती की ये तस्वीर भी आई है सामने। TV9 के कैमरे से आप ढाका को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ढाका को जांचने परखने के लिए इस वक्त हम अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बीच में देखिए बांग्लादेश में खास करके ढाका में क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो अगर आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस के बीच का शहर था। यहाँ पे जब मैं 2 साल पहले आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर, उस वक्त ये सब चीज़ें आप जैसे देखिए इस एस्केलेटर पे, ये एस्केलेटर अभी यहाँ बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे धूल जमी हुई है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये शेख हसीना के टाइम से ही बंद पड़ी हुई है। लेकिन इस जगह के क्या हालात हैं उसको देखते हुए आप समझने की कोशिश करिए। आपको कैमरे पर अलग अलग एंगल से हम अलग अलग तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मुझे कई स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के जरिए भी आप समझने की कोशिश कर सकते। तो ये बांग्लादेश की वो तस्वीर है, ढाका की ये तस्वीर है सुरभि, जिसे देखकर पूरी दुनिया को एक अंदाज़ा होगा कि इस वक्त यहाँ चल क्या रहा है। नई सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जब नई सरकार ने जिम्मेदारी, और वो देखिए कैमरा पर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा, ये देखिए सेना की जो गाड़ियाँ हैं, इस तरह की गाड़ियाँ लगातार मार्च पास्ट कर रही है। हम यही कह रहे थे कि अगर जब सेना की गाड़ियाँ इस तरह से मार्च पास्ट करने लगे, सड़क पर सेना के लोग मौजूद हों, तो फिर कानून व्यवस्था को नॉर्मलाइज करने में आसानी होती है, उसका एक साफ तौर पर यहाँ पर देखते हैं। तो फ्लाईओवर बने हुए हैं, मेट्रो बने हुए हैं, इन सब के बीच में प्रोग्रेस की जो रफ्तार थी अचानक सरकार बदलने के बाद, उसमें कितना बदलाव होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ के हालात है वो कैमरे के जरिए समझते हुए आप यही कह सकते हैं कि चीज़ों को जल्द से जल्द नॉर्मल लाने में कोशिश की जा रही है और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं। ये ढाका की तस्वीरें हैं, जरूरी नहीं कि बांग्लादेश के हर एक इलाके में ऐसा ही देखने को मिले, लेकिन कहाँ क्या दिखाई देगा वो भी हम दिखाएंगे। बट इस वक्त जो हालात हैं ढाका में, ढाका के मुख्य इलाके में, वो TV9 के कैमरे से हमारे कैमरा सहयोगी गंगा सिंह आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक अंदाज़ा लग सके कि सरकार, नई सरकार के आने के बाद अभी क्या सूरत हाल है। बगावत और तख्ता पलट के बाद आज के बांग्लादेश की हकीकत क्या है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है TV9 भारतवर्ष और ढाका में मौजूद मेरे सहयोगी मनीष झा लगातार वहां लिए जा रहे सरकारी फैसले और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद अब एकजुट होने की जो कोशिश की जा रही है उसकी तस्वीरें भी हमें आगे दिखाते रहेंगे। लेकिन अब रुख करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध फ्रंट का, क्योंकि अब बड़ी खबर आई है कुर्स्क में यूक्रेनी हमले से मची अफरा तफरी को लेकर। आपको बता दें कुर्स्क में ऑपरेशन को नेटो की हरी झंडी मिली है और यूक्रेन को नेटो से मिली हरी झंडी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि डिटेल इनपुट आपके सामने होगा ये समझाने के लिए कि आखिर किस तरीके से कुर्स्क के ऑपरेशन को देखते हुए अब यूक्रेनी हमले से वहां अफरा तफरी मची हुई है। इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और इस सवाल का जवाब जानने की होगी कोशिश कि आखिर क्या नेटो ने करवाया है कुर्स्क ऑपरेशन, क्योंकि बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से नेटो के कहने पर जेलेंस्की ने ऑपरेशन की शुरुआत की। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि कुर्स्क के लिए जेलेंस्की को नेटो का जिस तरीके से पूरा समर्थन हासिल हुआ है, नेटो के दिए घातक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति तक मिल गई और साथ ही अब समझिए कि मौजूदा स्थिति यहां पर है क्या, क्योंकि अब जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसके तहत मौजूदा स्थिति को लेकर खबर यह सामने आ रही है कि रूसी धरती पर यूक्रेन ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, यहां तक कि 30 किलोमीटर अंदर यूक्रेनी सैनिक आने में कामयाब रहे और इसमें इंपॉर्टेंट यह कि 22वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के 1000 सैनिकों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। यहां तक कि 11 टैंकों के साथ सैनिक, 20 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सैनिकों ने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है कुर्स्क में ही, अब रूस के काउंटर ऑफेंसिव अटैक को लेकर भी खबर मिल रही है, क्योंकि अब कुर्स के अलावा ब्रियांस में भी ऑपरेशन हो रहा है और बेलगरोद में भी काउंटर ऑफेंसिव शुरू होगा। ये बड़ी खबर आपको इस वॉर फ्रंट पे बता रहे हैं जहां कुर्स को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि पुतिन की जमीन पर जेलेंस्की ने जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया है उसमें स्पेशल ऑपरेशन के तहत ही उस इलाके में शामिल होने में यूक्रेनी सैनिकों की कामयाबी के बाद अब काउंटर ऑफेंसिव को देखते हुए भी बड़ी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि कुर्स के अलावा ब्रियांस में भी ऑपरेशन को रूस की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। कुर्स्क में बड़े ऑपरेशन
की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब मैप के जरिए आपको यह समझाएंगे कि कुर्स्क में किस तरह से यूक्रेन ने घुसपैठ की और अब रूस कैसे ऑपरेशंस यहां पर चला रहा है। हालांकि ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हम आपको दिखा रहे हैं, ये रहा रूस और उसके आसपास का ये वो पूरा इलाका जहां पर कुर्स्क इस जगह पर एंट्री भी हासिल करने में ये कामयाब रहे हैं। ये लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर रूस का कब्जा है और रूस के इलाके में जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसमें ये देखिए ये पूरी मूवमेंट के साथ यूक्रेन की तैयारी थी और जिस तरीके से इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने में वो कामयाब रहे, उसके बाद रूस की तरफ से भी अब ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन इस स्पेशल ऑपरेशन के तहत दावा ये कर रहा है कि 1000 सैनिकों की मौजूदगी के तहत वो इस पूरे इलाके पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं। अब कुर्स्क ही रूसी रॉकेट लॉन्चर और टैंकों की तैनाती को लेकर इस वक्त खबर आ रही है जहां सेना की अतिरिक्त ब्रिगेड तक भेजी जा रही है और किसी भी वक्त काउंटर ऑफेंसिव की हो सकती है शुरुआत। हालांकि कुर्स्क में रूस ने इमरजेंसी तक लगा दी है। अब कुर्स्क में ही जंग पर रूस की तरफ से किए जा रहे बड़े दावे को लेकर इस वक्त खबर यह है कि जंग में यूक्रेन ने विदेशी सैनिक भेजे हैं और जॉर्जिया के भाड़े सैनिक जंग लड़ रहे हैं। वॉर जोन की रिपोर्ट का जो हवाला दिया जा रहा है उसमें विदेशी सैनिकों के वीडियो तक बकायदा जारी किए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना का सुद्जा शहर को लेकर बड़ा दावा और सुद्जा पर यूक्रेनी सेना के नियंत्रण को लेकर किए जा रहे दावे के तहत यह खबर सामने आई है जहां देखिए झंडे साथ लेकर यूक्रेनी सैनिक नजर आ रहे हैं और यूक्रेन की सीमा से 10 किलोमीटर पर ही सुद्जा की दूरी है। अब कुर्स्क से सामने आ रही तबाही की तस्वीर आपके सामने, क्योंकि यहां जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया दावा यह कि हमले में रूसी सेना की गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी सेना ने हाईमार्स मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया है। लेकिन ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल क्यों है, क्योंकि रूस यहां पर अपने एटमी प्लांट को बचाने में जुटा हुआ है और पावर प्लांट से 14 किलोमीटर दूर यूक्रेनी फौज की मौजूदगी है। हालांकि पावर प्लांट की सुरक्षा भी कई गुना बढ़ाई गई है। इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इस बारे में डिटेल आपके सामने, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने जहां कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन के कब्जे को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और पावर प्लांट से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेनी आर्मी की मौजूदगी। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि रूस ने कुर्स्क के पावर प्लांट की सुरक्षा भी कई गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया और पावर प्लांट से मॉस्को तक होती है बिजली की सप्लाई। अब न्यूक्लियर प्लांट को लेकर IAEA की भी चेतावनी जहां न्यूक्लियर प्लांट पर किसी तरह का हमला ना हो। अब किनबर्न आइलैंड पर यूक्रेन के हमले को लेकर खबर आ रही है जहां हमले में रूसी आर्मी के इक्विपमेंट्स तबाह हो चुके हैं और यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से वीडियो भी आया है सामने। यूक्रेन का रूसी ट्रेनिंग सेंटर पर भी हमला जहां GMLRS मिसाइल से विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया है। ज़ापोरोजिया रीजन में अटैक किया गया। अचानक हमले के बाद सैनिक कैसे भागते नजर आए वही तस्वीर आपके सामने है। तो इस वॉर फ्रंट पे कुर्स्क में ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबरें हमने आपको बताई, लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि कुर्स्क में जंग के बीच रूस को ईरान की मदद। अब रूस को सैकड़ों मिसाइल ईरान देगा, ईरान रूस को फतेह मिसाइल देगा। क्या रूस ईरान साथ मिलकर बारूदी घमासान मचाएंगे? तो कुर्स्क जंग के बीच ईरान रूस की मदद के लिए कैसे आगे आ गया है, बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल की खेप भेजने वाला है। वो रूस को सैकड़ों फतेह 360 मिसाइल भेजेगा। इस बीच खुलासा तो ये भी हुआ है कि रूस की सेना ईरान में मौजूद है जो वहां पर फतेह 360 मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग ले रही है। इसमें खास बात यह है कि फतेह 360 मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर की है और ये अपने साथ 50 किलो वॉरहेड भी ले सकती है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जहां अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले को लेकर खबर आ रही है, खराब अल जर एयरबेस पर ईरान का अटैक, कैमिकाज़ी ड्रोन से हमले को दिया गया अंजाम। सीरिया के रमिलान में हमला किया गया। ईरान की युद्ध की तैयारी जारी है। एक और बड़ी खबर, IRGC को मिले मिसाइल सिस्टम और UAV, ईरान का विस्फोटक हथियारों से लैस होने का दावा।
इसराइल का गाजा में विध्वंसक अटैक, एक और बड़ी खबर है। खान यूनिस में एयर स्ट्राइक और घरों को कैसे तबाह कर दिया गया, इस वॉर फ्रंट से भी आ रही तस्वीर ये देखिए। सेंट्रल गाजा में 3 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह कर दिया गया, लड़ाकू इंजीनियर्स ने सुरंग को उड़ा दिया, तस्वीर आपके सामने होगी। नजारिम कॉरिडोर क्षेत्र में सुरंग को किया गया नष्ट, हमास के लड़ाके इस सुरंग का इस्तेमाल करते थे। तो गाजा के इस वॉर फ्रंट से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लगातार इसराइल की तरफ से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल ये खबर सेंट्रल गाजा में 3 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह करने को लेकर किए जा रहे दावे की है, जहां लड़ाकू इंजीनियर्स ने सुरंग को उड़ा दिया है और हमास के लड़ाके इस सुरंग का इस्तेमाल करते थे। इसराइल में हिजबुल्ला का हमला, एक और बड़ी खबर है। सैन्य ठिकानों पर हमले को लेकर जहां हिजबुल्ला ने अब तस्वीरें जारी कर यह साफ कर दिया कि किस तरीके से वो इसराइल को टारगेट कर रहा है, और हिजबुल्ला की तरफ से जारी ऑपरेशन टारगेट्स के तहत ही ये खबर सामने आई है कि अब हिजबुल्ला ने एक और हमले को अंजाम दिया है और टारगेट पर थे सैन्य ठिकाने। और रूसी एयरबेस पर यूक्रेनी हमले की तस्वीर अब आपके सामने, जहां ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम दिया गया और मुर्ज़ुगस्क एयरबेस पर हुआ हमला, आग का गुबार उठता नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते की ये तस्वीर होने का दावा किया जा रहा है, जहां लगातार हो रहे हमलों के बाद आ रही तस्वीरों के तहत एक बार फिर से ये साफ हो गया कि रूसी एयरबेस पर यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया है, और ड्रोन के जरिए कैसे किया गया ये हमला तस्वीर आपके सामने है, जिसके बाद देखिए काले धुएं का ये गुबार, आग का ये गोला दूर दूर तक साफ नजर आ रहा है। और इस बीच इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर झारखंड से है, जहां रांची के मॉल में कांवड़ियों की एंट्री ना होने पर बवाल मच गया है। रांची के राधू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची में कांवड़ियों को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो बिना चप्पल के पहुंचे थे। गार्ड ने कांवड़ियों से कहा प्रोटोकॉल की वजह से वो मॉल में नहीं जाने दे। क्या बोला इन लोग आपको? खाली पैर मतलब जाना नहीं है, नहीं है। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और बवाल मचने के बाद अब मॉल के जनरल मैनेजर ने माफी भी मांगी है। इस मामले पर झारखंड की सियासत अब गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, मॉल की रजिस्ट्रेशन रद्द करने तक की मांग कर दी। वहीं बीजेपी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मॉल के संचालक और प्रबंधकों पर कार्रवाई करे। खाली पैर मतलब जाना नहीं है, नहीं है। ये बिल्कुल दुखद घटना है और हमें यह लगता है कि बांग्लादेश और घुसपैठ पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी तक खामोश क्यों है। मॉल ऑफ रांची का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। इस सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के भक्तों को खाली पैर का बहाना दे करके अगर किसी मॉल में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है तो हमें लगता है कि वह मॉल भी कहलाने का हकदार नहीं है। उस मॉल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, ये हम मुख्यमंत्री से मांग भी करते हैं। देखिए मॉल ऑफ रांची में जो कुछ भी हुआ बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हैं हम इसे, क्योंकि अगर आप कांवरियों को एंट्री देने से इनकार कर रहे हैं अपने मॉल में इस ये कहकर कि आपने चप्पल नहीं पहना है और आपकी वेशभूषा ठीक नहीं है, तो ये तमाम शिव भक्तों का अपमान है, ये सनातनियों का अपमान है। और हम अविलंब मांग करते हैं झारखंड पुलिस से, झारखंड सरकार से, कि मॉल ऑफ रांची के संचालकों और प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज करें और इन्हें अविलंब बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। और अब खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में लोगों ने ठगी गिरोह को पकड़ा है और साधु की पोशाक में गांव में ठगी के आरोप है। मेरठ के रहने वाले हैं साधु, मेरठ में रहने वाले ये लोग साधु बनकर आए थे। गांव वालों ने आरोपियों को चप्पल से पीटना शुरू कर दिया, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। गोसाईगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाबा के वेश में आए लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस तलाश रही है।